नदी नालों में बाढ़ के साथ भारी मात्रा में रेत बहकर आ गई है, इसलिए रेत माफिया चारों तरफ से रेत समेटने में लगा है। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देश पर अमूला थाना पुलिस और अमोल पठा चौकी पुलिस ने गुरुवार को ट्रैक्टर ट्राली और LNT जब्त की है। अमूला थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि सिरसौद में पुलिस को देखकर रेत फैलाकर भाग रहे ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा है। ट्रैक्टर चालक के खिलाफ रेत चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं कंठेगरा गांव में जाकर दबिश दी तो नाले में LNT मशीन रेत उत्खनन करते मिली। मशीन कोमल बघेल की बताई जा रही है। पुलिस ने मशीन जब्ती में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की सख्ती के बाद अवैध उत्खनन में लगे रेत माफिया पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। कार्रवाई में अमूला थाना प्रभारी राघवेंद्र यादव, अमोल पाठा चौकी प्रभारी पुनीत वाजपेयी के साथ माइनिंग टीम की भूमिका रही।